हाय एवरीवन, मैं अनुराधा मिश्रा हूँ ऊपर पिक्चर स्टोर से। देखिए, जैसे हम लोगों को इस चीज़ की कभी कभी खुशी होती है, बहुत रेयर ही खुशी मिलती है, कभी कभी हो जाती है कि हम जब रिक्वेस्ट करते हैं तो चीज़ लोग सुन लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर इस समय रिक्वेस्ट करी थी कि हम लोगों को ये 20-20 फिट के 6 जगह पर बनवाने हैं, इसी जगह पर 2 जगह पर बनने और बाकी भी जो बनने हैं 20-20 फिट के 2 जगह बनने हैं, 6 जगह बनने हैं ये। तो हमें बड़ी खुशी है कि ये 20-20 फिट के 2 जगह पर हमें स्पॉन्सर हो गए। एक तो नीरज जी हैं जिन्होंने पूरे 20 फिट का उन्होंने ही स्पॉन्सर कर दिया, मतलब दो हैं ये, आपको एक साथ इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं। पहले ये यहाँ वहाँ तक ही था 20 फिट का, तो चलते 5 kg इसकी शेड में आ रहे थे तो ये था और बन जाए। तो नीरज जी थैंक यू वेरी मच, आपने पूरा एक 20 फिट का स्पॉन्सर कराया, ये बन गया। और उसके आगे का जो 20 फिट का है वो हमारे गायत्री जी हैं, जयेंद्र जी हैं उन्होंने करा है, और दीपिका जी हैं जो कि दुबई में रहते हैं उन्होंने करा है। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, आपकी वजह से पूरा एक 40 फिट का एरिया कवर हो गया। इसके नीचे 8 केज आ गए, और 8 केज में आप खुद काउंट नहीं कर पाओगे, कम से कम इसी समय पर जब बारिश नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है, आराम से कम 30-40 बच्चे आराम से बैठे हुए हैं, और जब बारिश आएगी इसके अंदर कम से कम 50 बच्चे आराम से बैठे, ठीक है ना। अब हमारे पास जगह बची है 6 ऐसी और जगह, और भी बड़ी जगह है, चलिए वो बाद में बात करेंगे, पर हमारे पास 6 टोटल थी, 2 बन चुकी, 4 हमारे पास और ऐसी जगह बची है, यानी 20-20 फिट के 4 एरिया हमें और कवर करने हैं। एक एरिया जो 20 फिट का हमें 45-50 के बीच में पड़ता है, इसलिए बोल रहे हैं 45 का बनता है, फिर हम लोगों को अभी इसको कलर वलर भी करना होगा वरना ख़राब हो जाएगा, इसकी एज कम हो जाएगी, है ना। तो 45 का हमें एक एरिया पड़ता है 20 फीट का, 4 एरिया में और कवर करने हैं। थोड़ी थोड़ी हेल्प करो, वो एरिया भी कवर हो जाएंगे, तो आप समझो जितने भी शेल्टर के बच्चे हैं वो सेफ हो जाएंगे। बट अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, जिन जिन लोगों ने सबने मिलकर 40 फीट जगह कवर करा दी, वी आर वेरी हैप्पी। अब दूर से देखो सारे बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं, कहते हैं अभी बारिश से बच्चे सेफ हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो स्ट्रेंज लगी है ना, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, जिन लोगों ने इसके लिए हेल्प करी है वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में एक बच्चा हमारे पास नहीं भेजा है, वो सिर्फ हेल्प करते हैं, उनको कुछ नहीं पता कि मेरे को पहले बच्चा भेजा। जिन लोगों ने बच्चे भेजे उनकी तरफ से बिल्कुल हेल्प नहीं आई है, जिनके ये बच्चे हैं इतने सारे उनकी तरफ से कोई हेल्प नहीं आई है। जिन लोगों ने कभी बच्चे नहीं भेजे हैं मेरे पास, ये उन लोगों ने स्पॉन्सर करा है आपके बच्चों के लिए, है ना। तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो थोड़ी थोड़ी हेल्प करें। बाकी के 4 जगह जो हमें कवर करनी है जल्दी जल्दी कवर होंगे, बच्चे बारिश से सेफ हो जाएंगे, आप ही के बच्चे हैं। थैंक यू।